हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, सही है। फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अम्मी का पार्सल आ चुका है और ये क्या लिखा है, अंदर शीशा है एहतियात करें। इसका क्या मतलब है, अंदर शीशा कैसे आया। खैर, ये तो अम्मी का पार्सल है, इसको अम्मी ही ओपन करेंगी। ओके सो गाइस, अम्मी आ चुकी हैं। अब अम्मी इसकी ओपनिंग करेंगी कटिंग करेंगी। चलें, हाँ कटिंग ही करेंगी ना इसकी, यार थैली की। तो चलो, हैप्पी बर्थडे टू हमने जो सामान मंगाया, अल्लाह करे वही आए और परफेक्ट निकले भाई, टूटा ना निकले। चलो देखते हैं कैची से काटें, कैची से। कभी खुशी कभी गम, कभी खुजली कभी जख्म। निकालो, खींच। ओके, आए तो बड़े अच्छे अम्मी, बॉर्डर फॉर्डर लगी हुई है फुल भाई। ओहो, फ्रंट तो देखो, फ्रंट तो माशाल्लाह अच्छा है अम्मी। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हुआ है, नहीं ख़राब नहीं है, वो पॉलिश हुई है। कैसा लग रहा है अम्मी? अच्छा है। इन्होंने क्या दिया है इसके साथ? अच्छा, ये हुक दिया ना। कलर तो हमने ब्राउनी तो मंगाया था, आपने कौन सा मंगाया था? ब्राउन था। हाँ तो सही है ना कलर। देखिए अम्मी, वो हुआ है इस पर प्लास्टिक कोटिंग हुई है इसके ऊपर। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अंदर शीशा है एहतियात करें। कहाँ है शीशा? शीशा कहाँ? देख रहा हूँ, बड़ा तेरा कैमरा से शीशा नजर आ रहा है। हाँ देख रहा हूँ, शीशे बारा नहीं कहाँ हो? शीशे नहीं है। अजीब पागल है। है हप पागल कहीं के। सो गाइस, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं अम्मी, क्योंकि अम्मी को चीज़ें बहुत पसंद आ गई हैं। अम्मी ने जैसा मंगाया था, अब अम्मी से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कि क्या ये वैसा ही है कि वैसा नहीं है। तो हेलो मम्मा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, तो प्लीज़ टेल मी, आपको आपका ये पार्सल कैसा लगा? पार्सल है तो अच्छा, सब चीज़ सही है इसमें। हाँ, फिनिशिंग भी है और कलर भी सेम है जो हमने मंगाया था। अच्छा। हाँ, मगर इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत छोटा पीस हमें दिए हैं। छोटे हमने तसव्वुर में किया था कि मतलब आपने तसव्वुर में किया था पूरी दीवार कवर करने का। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं भाई, यार हद होती है यार, मैंने नेट पे सही मेरे हिसाब से सही साइज दिया है। हाँ शायद ये एक साइज़ का मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, वो है ये दो साइज़ तो सही है, ये साइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कटिंग करके इसमें ही जोड़ना था इनको, ये साइज़ होना था। हाँ। इसका साइज़ होना था ये। हाँ ये बात तो आप सही कर रही हैं कि छोटा दे दिया इन्होंने, एक ही लकड़ी में इन्होंने बहुत सारे पीस बना के दे दिए। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जो दिखाया करो वही दिया। खीर के रख दूंगा। खैर, क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, फिनिशिंग से बना हुआ है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सामने जो बॉर्डर लगी हुई है इसके, सही है। तो हुक वगैरह भी बड़े माशाल्लाह अच्छे दिए हैं, सही है। स्क्रू वगैरह भी साथ दिए हैं, सही है। अब इसको ये है कि हम लगवाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन तो है ही नहीं। अब बताओ, हमने सारा सामान मंगा लिया, ड्रिल मशीन नहीं है, लगाएं तो लगाएं कैसे, चिपका देंगे। छोड़ो, मैं विकेट बना लूंगा उसको, बच्चों के साथ बात करता ना, ना, ना,
अरे नहीं नहीं दे दो ना, आए यार आए दे दो, 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 आए दे दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो गाइस अब ये है कि भाई इसको लगाने की टेंशन अम्मी ने दे दी है, अब कैसे लगवाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको लगवाने की, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन अब ये करना है कि क्या कर सकते। हाँ जी, किया तो था। अरे क्या मतलब है, कब किया था, एक हफ्ता हो गया। नहीं 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 नहीं, एक हफ्ता नहीं हुआ उसको, तो दो महीने, एक महीना हो गया। अरे तो एक महीना है। नहीं नहीं मैं समझा, आप छोटे वाले की बात कर रही हैं। छोटा नहीं, बड़े वाला। ये वाले की बात कर, देखो हमने तो गिलास, हाँ हमने गिलास ना चेंज कर दिया इसका, ये अम्मी के पास बर्नी रखी हुई थी तो हमने बर्नी में डाल दिया, तो जरा यार दिखती है ना इससे, गिलास बहुत छोटा हो रहा था इनके लिए, सही है। तो अभी ये भी गंदा हो गया, ये भी साफ तो करना है, ये तो पीला हो रहा है इसका। हाँ। पानी पीला हो रहा है, तो मुझे देना, मैं इसको सही से मांझ के लाऊंगी धो के ना। चले सही है, इसको भी साफ करना है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। 3 hours later इसी तरीके से पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने निकाला इसको जल्दी जल्दी कि भाई ये शायद सही हो जाए, पता नहीं क्या हो गया। अरे सांस ले ले, सांस ले ले यार, ऐसे ना जा, सांस ले ले प्लीज, सांस ले ले, सांस ले ले, शाबाश। सांस ले ले यार, सांस ले ले। सो गाइस इसने तो सांस लेना शुरू कर दिया, शुक्र है। सो गाइस इतनी खूबसूरत मछली थी मेरी ये गोल्ड फिश, और बेचारी सुबह थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया, उसके बाद फिर मैंने आके चेक किया, हालांकि सुबह खाना डाला है मैंने इनको, और अब ये है कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ये भी बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इसको उठाया, जैसे ही हिलाया तो इसने ऐसे ऐसे करके करके मुंह खोला, तो मैंने बोला नहीं यार ये अभी थोड़ी ज़िंदा है। फिर मैं गया फ़ौरन, मैं प्याले में पानी लेकर आया, उसको उसमें डाला, थोड़ा हिलुल जुलुल किया, इसको हिलाया तो ये थोड़ी सांस लेने लगी, लेकिन ये बिल्कुल ही एक्सपायर हो गई है। इतनी पुरानी मेरी ये मछली थी, इतनी पुरानी मछली थी ये मेरी, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। One hour later. So guys, नहाकर मैं आ चुका हूँ और मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब गर्मी नहीं लग रही, पहले ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से ये मछली मर गई ना तो मेरा सर घूमने लगा था, तो अब ये है कि मैं नहाकर आ चुका हूँ, अब मुझे गर्मी भी कम लग रही है। अब ये है कि भाई एक्वेरियम मैंने साफ़ करना है, बड़ी वाली मछली का भी, छोटी वाली मछली का भी। बड़ी वाली मछली तो एक तो एक्सपायर हो गई गंदे पानी की वजह से, मेरी गफलत की वजह से, क्योंकि जब से छोटी वाली मछली आई है मैं इन पर कम टाइम दे रहा हूँ, सही है, चिली मिली पे। अब एक काम करना है कि पहले छोटी वाली मछली का मैं एक्वेरियम साफ़ कर देता हूँ, फिर अपने वाली एक्वेरियम, अपनी वाली मछली का एक्वेरियम साफ़ करूँगा, सही है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सो गाइस, बड़ी मेहनत के बाद मैंने अपना एक्वेरियम और अम्मी का बाउल और एक जार साफ़ कर दिया है पूरा, बड़ी मेहनत लगी है भाई, बड़ी मेहनत लगी है। सो गाइस साफ़ होने के बाद देखो कितनी खुश हो गई है, माशाल्लाह ये खुश हो गई, बोलिए भाई शुक्रिया उमेर भाई आपने हमारा पानी साफ़ कर दिया, वेलकम वेलकम वेलकम। ये भी साफ़ हो गए, ये भी कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ खुश रहो खुश रहो, शुक्रिया बहुत बहुत। अरे कोई मसले की बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जी जी मैं आपसे कह रहा हूँ, जी जी ओके, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। असंभव। सो गाइस ये तो साफ़ हो गया, लेकिन अब ये है कि मेरा जो एक्वेरियम है बहुत ज़्यादा सूना हो गया, बहुत ज़्यादा सूना हो गया, एक मछली है उसमें से मैंने और डेकोरेशंस भी हटा दिए हैं, सिर्फ ना एक डॉल्स जो मैंने मंगवाई थी चाइना से वही रखी हुई है, बाकी बड़ा सा जो घर रखा था वो भी मैंने हटा दिया, क्योंकि अब अच्छा ही लग रहा, वो अकेली बेचारी, अब उसके लिए एक मुझे फ़िश ला के रखनी पड़ेगी, एक ऑरेंज फिश में लेकर आऊँगा, गोल्ड फिश छोटी सी वो डालूंगा उसके साथ, वरना वो अकेले अकेले रह रह के ना बीमार हो जाएगी। बात तो सही है, सही है, तो उसके लिए भी मैंने सोचना है अभी। सो गाइस ये आ गया मेरी गोल्ड फिश का घर, जिसमें मैंने सारे डेकोरेशन हटा दिए सिवाय इसके और इसके, घर वो रखा हुआ सामने, सही है। और अभी यहाँ पे आ गई छुपकली, मैंने जब ये अपनी ना पुरानी टी शर्ट लगाई हुई है यहाँ पे, यहाँ पे छुपकली आ गई, इतना सा बच्चा है वो इधर उधर भाग रहा है, मारने की कोशिश करी लेकिन वो मरे ही नहीं, नहीं। तो भाई जब से वो अम्मी वाली मछली आई है, तो जब से मैं अपनी मछलियों पे ध्यान नहीं दे पाया, अपनी चिली मिली पे ध्यान नहीं दे पाया, इनका मैंने नाम रखा था चिली मिली,
लेकिन मैं अम्मी की जो फिश है उसमें इतना 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 मैं खो गया कि मैं इनका नाम तक भूल गया। मतलब अब मुझे ये नहीं याद आ रहा कि चिली थी जो मर गई या वो मिली थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सही है, तो अब इसका नाम तो अब चिली या मिली का वो एक ही बात है। तो गाइस अब इसका पूरा नाम मैंने रख दिया है चिली मिली। सही है, इसका पूरा नाम चिली मिली है और ये अकेला अकेला महसूस कर रही है। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि जो इसके दोस्त थी वो एक्सपायर हो गई है। मुझे बहुत अफसोस है दिल से। देखो नज़रें भी नहीं मिला रही है। अरे इधर तो देखो। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हारा पानी वक्त पे चेंज कर देता तो वो तुम्हारे साथ होती आज। ये मेरी मिस्टेक है, देखो छुप रही है ये। आई एम सॉरी। एक्वेरियम देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया इस बार और पानी भी नीट एंड क्लीन हो रहा है। अगर ये मैं पहले ही कर देता तो शायद मेरी मछली नहीं मरती। और यहाँ से वुडी इसको देख रहा है, बोल रहा हूँ मेहर भाई पानी तो बहुत अच्छा साफ़ किया है, बहुत शुक्रिया वुडी। और आप फिल्टर भी देख सकते हो बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, लाइट भी मैंने नई लगा दी है। सही है, तो बहुत साफ़ सुथरा हो गया ये एक्वेरियम जो है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। सही है, अल्लाह हाफिज़। और हाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।